हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रोमियम के बारे में, जिसका उपयोग ज़्यादातर आप ठेंगा रोग में कर सकते हैं। गले के ग्रंथियों में अगर कड़ापन आ रहा है, गर्दन के ग्रंथियों में, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर गर्दन के नीचे में बहुत ज़्यादा सूजन हो रहा है तो आप कर सकते हैं। क्राउप खांसी में कर सकते हैं। अगर उसके नीचे हम उतरते हैं तो आप मम्स की जो कंडीशंस डेवलप कर जाती है उसमें ब्रोमियम का इस्तेमाल सक्सेसफुल कर सकते हैं। या ऐसे स्क्रोफुलस बच्चों को इनलार्ज ग्रैंड ग्लैंड में कर सकते हैं, जिनकी ग्रंथियां कड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और उसमें सूजन होने लगता है। ऐसे कंडीशंस के लिए होम्योपैथ में ब्रोमियम एक बेस्ट मेडिसिन है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी सहायता से आप अपनी ग्रंथियों को नॉर्मल होने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकती है ब्रोमियम। ब्रोमियम का इस्तेमाल कंडीशंस कई वजहों से किया जाता है, कई जगहों में किया जाता है। अगर हम बात करें बेसिकली ब्रोमियम का हमारे अंग पे क्या काम है, तो जनरली ये अगर देखा जाए तो ग्रंथियों पे ज़्यादा काम करता है, यानी कि ग्लैंड जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा वर्क करती है। और अगर बात किया जाए कि ब्रोमियम का पेशेंट होता कैसे है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रोमियम का पेशेंट चिली नहीं होता है। थर्मली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हॉट होता है। ख़ास करके ब्रोमियम का इस्तेमाल आप उन कंडीशंस में कर सकते हैं जब आपको चेहरे पे हल्का हल्का ऐसा महसूस होता है कि कुछ जाला टाइप में लगा हुआ है लेकिन आप उसको हटा नहीं पाते। दूसरा, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बार बार सर्दी हो जाती है, बार बार जुकाम हो जाता है, और जुकाम होने के साथ साथ उनके गर्दन वाले भाग में हल्का सा सूजन और कड़ापन आ जाता है। ऐसे कंडीशंस को ब्रोमियम यूज कर सकते हैं। अब अगर ब्रोमियम की कंडीशंस को समझा जाए तो ब्रोमियम एकोनाइट के समदर्शी है। खास करके ब्रोमियम को आप कब यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण दिया जाए कि एक बच्चा अगर बाहर जाता है ठंड के मौसम में, और ठंड के मौसम में उसको जब ठंड लग जाती है और जब वो रात में आता है तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बुलाया जाएगा। वो फर्स्ट अटैम्प्ट प्रेशर होता है, यानी कि पहला अवस्था होती है पेशेंट की डिजीज़ की, और उस अवस्था में एक पहला जो मेडिसिन आती है वो होती है एकोनाइट। अब हम सेम कंडीशंस आते हैं गर्मियों में। आपने देखा होगा कि बच्चे गर्मी में अक्सर बाहर निकल जाते हैं, घूमते हैं, घूमने के वजह से या बहुत ज़्यादा कपड़ा पहनने की वजह से कुछ बच्चे जो शादियों के मौसम गर्मियों में चलती हैं तो कपड़ा पहनने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रह जाते हैं। उस गर्मी का जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उसके वजह से जो तकलीफें बढ़ जाती हैं, चाहे वो ग्लैंड में सूजन हो, नेक ग्लैंड में सूजन हो, या सर्दी जुखाम बुखार हो, या जो ग्रंथि पहले से रहा हो वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाए, स्टोनी हार्ड हो जाए, तो वैसे कंडीशंस के लिए ब्रोमियम एकमात्र मेडिसिन आती है जो ब्राइनिया के पहले आती है। अक्सर लोग ब्राइनिया यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ब्राइनिया के पहले स्टेज की मेडिसिन ब्रोमियम होती है, जिस तरह से एकोनाइट प्राइमरी स्टेज की मेडिसिन होती है ठंडियों के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि थायराइड ग्रंथि, जिनको ग्रंथियां होती हैं यानी कि ग्लैंड, या जिसको आप ग्वाइटर बोलते हैं, उसमें हल्का सा सूजन हो जाता है। वो सिर्फ न सूझता ही है बल्कि वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है। ऐसे कंडीशंस के लिए, ग्वाइटर या घेघा रोग के लिए, आप ब्रोमियम हायर पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिप्थीरिया का कंडीशन हो रहा है, जो चेहरा है म्यूकस मेम्ब्रेन गर्दन के वहाँ पे पतला पतला झिल्ली जैसा आना शुरू होता है, वैसे कंडीशंस के लिए आप ब्रोमियम को यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो ट्रेकिया रीजन में आपको इन्फेक्शंस हो या लैरिंग्स रीजन में इन्फेक्शंस हो। इन्फेक्शंस का वजह मैंने आपको बताया कि अगर गर्मियों में बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको डिप्थीरिया होगा, काला ज्वर होगा, तो पहला बेस्ट मेडिसिन आपको ब्राइनिया समझ में आएगा। अब उसके आगे चलते हैं, अगर उसको बुखार हो गया, सर्दी हो गया, उसके साथ साथ अब खांसी भी होने लगी, जो आगे चलकर क्राउप खांसी में बदल जाती है, बहुत ज़्यादा खांसते खांसते बच्चा एकदम
ग्रैस्प कर जाता है, यानी हल्का सा फिट जैसा उसको आने लगता है, सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगती है। तो अक्सर लोग उसको घबराहट में बहुत सारे मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं, काली बाइक्रोम यूज़ कराते हैं, पल्स यूज़ कराते हैं, लेकिन वो मेडिसिन आप ब्रोमियम को अक्सर भूल जाते हैं। यही नहीं, अगर और थोड़ा सा हम आगे चलें तो देखते हैं कि उसको खांसने के बाद उसको सांस फूलने की बीमारी हो जाती है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। अगर सर्दी जुकाम हुआ, गर्मी के मौसम में सर्दी जुकाम के बाद खांसी हो रही है, खांसी के बाद सांस भी फूलने लगे, तो भी आप ब्रोमियम को यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रोमियम का जो पेशेंट होगा वो बताएगा कि भाई सांस लेते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे फेफड़े में कुछ स्पंज जैसा हो गया है, जिसके वजह से स्पंजी जैसा महसूस होता है हमारे फेफड़े में। इस ब्रोमियम में भी आपको रैटलिंग कफ मिलेगी, जैसे एंटीम टार्ट में मिलती है। ब्रोमियम में भी आपको बहुत ज़्यादा कफ मिलेगा, जैसे हिपर सल्फर में मिलता है, जो ठंडियों की वजह से तकलीफ़ बढ़ जाती है। लेकिन हिपर सल्फर मैंने आपको बताया कि ठंड के हवा लगने की वजह से तकलीफ़ बढ़ती है, ब्रोमियम में गर्म हवा लगने की वजह से तकलीफ़ बढ़ती है। इसके बाद अगर अब हम लोग और थोड़ा सा आगे जाएं हार्ट वाले रीजन में, तो ऐसे बहुत सारे युवा मिलेंगे जिनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी चेस्ट रीजन में जितने भी जिम करने वाले बच्चे होते हैं, जैसे यंग होते हैं, अगर उनको उनके हार्ट की साइज बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि आपको एक्सरसाइज एक लिमिट तक करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, आप जिमनास्टिक हैं, तो क्या होता है कि आपकी हार्ट की साइज बढ़ जाती है। उस हार्ट की साइज को नॉर्मल करने के लिए आप या हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट जिसको बोलते हैं, ब्रोमियम को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों। ऐसे किसी भी कंडीशंस में जिमनास्टिक बॉयज़ हो या जिमनास्टिक गर्ल हो, अगर उनके हार्ट की साइज बढ़ रही है तो आगे चलकर निश्चित आपको तकलीफ़ होना शुरू होगा। उससे पहले है कि आप सिम्टम्स देखकर मैच करके आप ब्रोमियम का यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ब्रोमियम में बहुत ख़ास होती है, जो अक्सर फीमेल्स में एक कंप्लेंट मिलता है कि लाउड इमिशन या फ्लैटस होता है वेजाइना के रास्ते से, बाथरूम के साथ साथ वेजाइना के रास्ते से फ्लैटस आता है, गैस टाइप में बाहर आती है, उसको आप ब्रोमियम की सहायता से रोक सकते हैं। एक चीज़ और आपने खांसी में देखी होगी कि जो लैरिंग्स वाले रीजन में होता है उसमें हमेशा कोल्ड सेंसेशन होता है, ऐसा महसूस होता है कि ठंडा महसूस हो रहा है, ठंडा लग रहा है। इसके अलावा उस ठंड के वजह से ही क्राउप खांसी होती है, तो उस क्राउप खांसी को भी आप ब्रोमियम की सहायता से कंप्लीट रूप से क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जो ओवर हीटेड होने के बाद ग्लोनाइन का इस्तेमाल करते हैं, अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको ग्लोनाइन को आप भूल जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी स्टेज की कंडीशंस आपके ब्रोमियम होती है ओवर हीटेड होने के बाद। ऐसे बहुत सारी मेडिसिंस हैं, आप नेट्रम कार्ब ले सकते हैं, क्रोनिक कंडीशन में बेलाडोना ले सकते हैं या ग्लोनाइन ले सकते हैं। सिम्टम्स जैसा कॉल करे, जैसा सिम्टम्स डिमांड करता है, तो अक्सर लोग ब्रोमियम को भूल जाते हैं और ग्लोनाइन को ही आँख बंद करके देते हैं। यही वजह है कि होम्योपैथ फेल कर जाती है। एग्जैक्टली होम्योपैथ फेल नहीं करती, हम फेल कर जाते हैं सिम्टम्स पहचानने में। अब अगर इसके सर पे बात करें, इसकी जो सर दर्द होती है, तो हाल खास करके इसके लेफ्ट साइड वाले सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसको ऐसा लगता है कि दिमाग में बात चलता रहता है कि उसको कोई स्ट्रेंज पर्सन, कोई अनजान आदमी उसको बार बार घूर रहा है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको पीछे कर रहा है। ये मानसिक सदृश संरचना है, अक्सर होता है जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, और तब तरह तरह की भावनाएं दिमाग में आना शुरू करती है। वैसे कंडीशंस में अगर ओवर हीटेड की वजह से बीमारी हो तो आपको ब्रोमियम लेना चाहिए, ये रिजल्ट देती है। अगर यही कंडीशंस को अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे उतर कर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि स्टमक यानी जो पेट होता है उसमें खास करके बहुत ज़्यादा जलन होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गैस की तकलीफ़ ब्रोमियम के पेशेंट में भी होती है,
लेकिन एक चीज़ और है कि गैस्ट्रिक के पेशेंट ऐसे मिले होंगे आपको जो बताते हैं कि साहब मैंने खाना खा लेने के बाद मेरी तकलीफ़ आराम हो जाती है। ऐसे कंडीशंस के लिए आप ब्रोमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स खाना खाने से आराम मिलता हो। इसके अलावा अगर और नीचे बात किया जाए, ओवर हीटेड के वजह से टेस्टिकल्स में सूजन हो, इंड्यूरेटेड हो या हल्का सा टेस्टिकल्स रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो भी आप ब्रोमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। अगर औरतों में देखा जाए तो ब्रोमियम अक्सर ओवरी के सूजन के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। आप इसको ओवरी के सूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ख़ास करके जब ब्रेस्ट में ट्यूमर हो, दर्द होता हो, ब्रेस्ट के एक्जिली पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके साथ साथ शूटिंग पेन यानी खिंचाव जैसा होना दर्द होता है, तो भी आप ब्रोमियम को ले सकते हैं। मैंने मानसिक अवस्था आपको बताने की कोशिश किया था कि इसमें पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई फॉलो कर रहा है। उसकी अवस्था भी मैंने आपको बताया था कि अक्सर बीमारी होने की वजह से होता है, या कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा ड्रीम आता है, सपना आता है, और वो सपना उसको कभी कभी हकीकत लगने लगता है। यही वजह है कि ब्रोमियम का पेशेंट को भी नींद इंसोमेनिया का शिकायत रहता है। और लास्ट एक और सिम्टम्स आती है, एक्नी और पिंपल्स। गर्म के मौसम में अगर आपको पिंपल्स हो रही है, एक्नी हो रही है, तो आप ब्रोमियम को ले सकते हैं, आप ब्रोमियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोमियम का जो भी पेशेंट होगा उसको गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या गर्म में बहुत दूर तक ट्रैवलिंग कर लेने की वजह से जो तकलीफ़ होती हैं वो ब्रोमियम के पेशेंट को प्रॉब्लम्स करता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए ब्रोमियम का, तो ब्रोमियम अक्सर ओवर हीटेड के अलावा, अक्सर देखा होगा आपने कि ब्रोमियम ओवर हीटेड होने की वजह से डायरिया हो रही है, तो ले सकते हैं। तो कंक्लूजन फ्रेंड्स ये होता है कि अगर ओवर हीटेड होने की वजह से आपको सर्दी जुकाम खांसी हो तो भी काम करेगी, डिस्पनिया हो तो भी काम करेगा, अगर आपको एब्डोमेन पेन हो तो भी काम करेगा। इसके अलावा ये ग्लैंड पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि जिनकी ग्रंथियाँ बढ़ गई हो, नेप ग्लैंड गर्दन के भाग की जो ग्रंथियाँ कड़ा हो जाता है, स्टोनी हार्ड हो जाता है, जैसा कि फाइटोलका में होता है, तो वैसे कंडीशंस के लिए भी अक्सर लोग स्टोनी हार्ड ग्लैंड के लिए फाइटोलका रेफर करते हैं, लेकिन मैं पहले एक बार ब्रोमियम के तरफ ज़रूर ध्यान देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि काफ़ी हद तक आपको सिम्टम्स एक जगह रखें ताकि आपको सिम्टम्स मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आशा करता हूँ कि ब्रोमियम से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, ज़रूर लाभ उठाएंगे। अगर कोई ऐसा मिलता है तो आप ज़रूर यूज़ करें, सिम्टम्स ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो असफलता ज़रूर परेशान करेगी आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट।